हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है द वैक्सीन वॉर तो द वैक्सीन वॉर इंडिया की पहली बायोसाइंस फिल्म है तो ये कहाँ पे कैसे ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं वहीं पे इसके प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की जाएगी साथ ही में प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग बजट इसके ऊपर डिटेलिंग में चर्चा की जाएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एनालिसिस मिलने वाला है एक प्रोडिक्शन दिया जाएगा वहीं पे इस फिल्म के आर्टिस्ट के बारे में बातचीत करेंगे प्रीमाइज जो कहानी है उसके ऊपर एक अंदाजा हम लगाने वाले है वहीं पे इसके टेक्निकल टीम म्यूजिक टीम के ऊपर भी बातचीत होने वाली है साथ ही में फिल्म से जुड़े सभी जो इंटरेस्टिंग तथ्य है जो फैक्ट्स है वो भी आपके साथ शेयर तो तो आज का हमारा वीडियो 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 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो को स्टार्ट करते हैं The Vaccine War, जो जिसको साइंस के जोर के साथ बनाया हुई पहली पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे वो द कश्मीर फाइल द टास्क एंड फाइल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने जी फाइव पर एक सीरीज बनाई थी द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड वो भी जी फाइव के लिए उन्होंने प्रीमियर करवाया था उससे पहले द टास्क एंड फाइल आई थी उससे पहले उन्होंने जुनियत दो, दो में बनाई थी इन ट्राफिक जाम थी वो भी दो में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी दो में हिस्टोरी को दो में बनाया था ट को 2005 में धन दन धना धन दन गोल को 2007 में बनाया हुआ था तो ये उनकी फिल्मोग्राफी है जैसे ही जैसे समय गया उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नजरिया ही बदल दिया जहाँ पे उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि द दुबु इन ट्राफिक जाम हो गई इसके बाद में द टास्क एंड फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर ट्रूथ थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो द वैक्सीन वो फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज़ थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने भी उनको मदद की हुई है और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीजें उन्होंने की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट्स वो जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदलाई तब से सभी राइट्स है उनके वही खरीदते आ रहे ओटी टी म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रैमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज देया ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक सौ साठ मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक सौ इकसठ मिनट का रन टाइम तो पौने दिन क, तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि बारह साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई ऐसे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी जी, पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीजें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली हाँ ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जोनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द टास्क एंड फाइल फिल्म बनाएगी ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करती हुई ये फिल्म नज़र आएगी अब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर ये इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो रोहित शर्मा वंजराज भाटिया स्वप्निल भडोला भटोत कर और श्रेया कौल के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड्स का कंपोज किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पाँच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रायमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर याग्ना तुर्लापाथी जैसे कहीं बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन, उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते हैं कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे क्या सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स है इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके हैं और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए विवेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बनाया है। फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिफिक और मेडिकल का कम्युनिटीज है उनके लिए इर्गिर्द उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या उनको मुसीबतों का करना सामना करना पड़ा था को वैक्सीन जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया हुआ है जहाँ पे वो पहली ऐसी बायो साइंस फिल्म वो बनाए हुए जहाँ पे इन सभी चीज़ों को किस तरह से दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है इसका मतलब कि इसमें काफ़ी डिटेलिंग में सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहाँ पर वो चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीज़ें दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें उन जो दो ढाई तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नज़र नहीं आते उनकी कहानियों में जिस तरह से वो एक्टर से परफॉर्मेंसेस निकलवाते जिस तरह से उनके फिल्मों में जो म्यूज़िक का यूज़ किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीज़ें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नज़र आते अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे लाइक्स भी मिले हुए यूट्यूब पर अच्छे कमेंट्स नजर आ रही है तो अब देखते हैं कि इसको कितनी स्क्रीन्स मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते हुए से बस इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज़ अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन शो ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तब अब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म की प्रोडक्शन उूस अनाउंसमेंट है वो नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था वो तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिरी आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक तेईस अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूजिक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल श्रेया श्रेयाकौल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया कौल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उससे पहले बता दें कि जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का साउंड ट्रैक है दो हज़ार बाईस में इन सभी गानों को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस सेप्टेम्बर दो हजार तेईस तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने यूट्यूब पर कंपनी के ऊपर अवेलेबल है पहला गाना है द वैक्सीन वॉर थीम जिसको मुजोहित शर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पर दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है द वैक्सीन वॉर थीम का उसको भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है नसादिया सुक्ता करके जो गाना है नसडिया सुक्ता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है वंशराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफ़ी सारे राहुल चितनीस विवेक नायक नितिन का करण सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत भो कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अदमाय और अदमाय वाखले किनमय विनायक आबिर चौधरी विना जोशी और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना नासख्ता रोक वर्धन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वह गवा गवाया गया था आफ्टर द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कौल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पाँच ट्रेक है जिसकी लेंथ सत्रह मिनट इकतीस सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फ़िलहाल में अगर इन सभी गानों को ट्रैक को सुनना है तो आप ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इसके अनाउंसमेंट है एक टीज़र के साथ की गई थी सेवेंटी सेवन्थ जो इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का तब उस मौके के ऊपर जहाँ पे पता गया था कि बायो साइंस फिल्म होने वाली है जो कोवैक्सीन जो बनाई गई थी वैक्सीन के समय तो उसके ऊपर है तो इस वजह से इस फिल्म का नाम द वैक्सीन वोर भी रखा हुआ है उसके बाद में रिलीज़ डेट अनाउंस की गई थी कि यह फिल्म करीबन अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को आपको देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज़ डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर दो तेईस की लेकिन उसके बाद में इसको करीबन 11 लैंग्वेजेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था कि जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलगू तमिल कन्नडा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी ये सभी लैंग्वेज में जहां पे फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था बारह सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते डिसेंट बस क्रिएट हुआ है अब देखते हैं कि इस बस के साथ वो किस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है उसके बाद कैसा क्या रिव्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म कितना लंबा रन लेगी कितना क्या कलेक्शन करेगी से 28 सितंबर 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले अब देखते हैं कि उस दिन के बाद ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कमाल करती है किस तरह से वो लोगों के बीच में जगह बना पाती है वैसे रिव्यू कग्न होती है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्म बनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं जिस तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती है अब देखते हैं कि इस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायोसाइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़का है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में ही पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा और उसके बाद ही फिल्म देख सकोगे ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है हो सकता है ओ टी और सेटेलाइट राइट्स विवेक अग्निहोत्री की जो पिछली फिल्म है उसकी तरह जी के द्वारा ही खरीदा जाए अगर ऐसा होता है तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के

करवाया जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी विवेक अग्निहोत्री की पास है तो हो सकता है अलावा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम जैसी मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज की जाए उसके बाद में इस फिल्म को उसके कुछ महीनों के बाद सेटेलाइट चैनल सिनेमा के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जा सकता है तो वहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह सर से था वैक्सीन वॉर फिल्म आप ओटीटी सैटेलाइट थिएटर में एंजॉय कर पाओगे द वैक्सीन वॉर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज मेडिकल थ्रिलर फिल्म है ये इंडिया की पहली ऐसी लोथी फिल्म है जिसको बायो साइंस के जोनर के साथ बनाया हुई पहली बायो साइंस फिल्म है इंडिया की जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफी सारी फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे वो द कश्मीर फाइल द टास्क एंड फाइल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने जी पे एक डॉक्यूमेंट सीरीज़ बनाई थी द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड वो भी जी फाइव के लिए उन्होंने प्रीमियर करवाया था उससे पहले द टास्क एंड फाइल आई थी उससे पहले उन्होंने जुनियत 2016 में बनाई थी इन ट्राफिक जाम थी वो भी 2016 में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी 2014 में हिस्टोरी को 2012 में बनाया था चोक ट को 2005 में धन धना धन गोल को 2007 में बनाया हुआ था तो ये उनकी फिल्मोग्राफी है जैसे ही जैसे समझ जाता गया उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नजरिया ही बदल दिया जहाँ पे उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि द बुडा इन ट्राफिक जाम हो गई इसके बाद में द टास्क एंड फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर ट्रू थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो द वैक्सीन वो फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज़ थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने भी उनको मदद की हुए और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पेन एन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग इस सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदला है तब से सभी राइट्स है उनके वही खरीदते आ रहे ओ टी, -टी म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहिमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस, एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक सौ साठ मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक सौ इकसठ मिनट का रन टाइम तो पौने दिन क, तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो हज़ार तेईस को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि बारह साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई ऐसे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली हाँ ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जोनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द टास्क एंड फाइल फिल्म बनाई गई ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए ये फिल्म नजर आएगी अब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर ये इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भडोला भडोतकर और श्रेया कोल के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड्स का कंपोज किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक है जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पाँच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रैमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर यागना तुर्लापाती जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते हैं कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे क्या सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके हैं और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए विवेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बनाया है। फिल्म की कहानी जैसे कि कि मैंने कहा साइंटिफिक और मेडिकल का कम्युनिटीज है उनके लिए इर्गिद उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइनटीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या? उनको मुसीबतों का करन, सामना करना पड़ा था को जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीजों को डेवलप किया हुआ है जहाँ 啊，对。 वो पहली ऐसी बायो साइंस फिल्म बनाए हुए जहाँ पे इन सभी चीज़ों को किस तरह से दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है इसका मतलब कि इसमें काफ़ी डिटेलिंग में सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहाँ पर वो चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीज़ें दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें उन दो ढाई तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नजर नहीं आते उनकी कहानियों में में जिस वो एक्टर से जिस तरह तरह से 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 वो परफॉर्मेंसेस निकलवाते उनके फिल्मों में जो म्यूज़िक का यूज किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीजें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नजर आते अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे लाइक्स भी मिले हुए यूट्यूब पे अच्छी कमेंट्स नजर आते तो अब देखते कि इसको कितनी स्क्रीन्स मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते से बस इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन शो ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को भी देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते ये फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म के प्रोडक्शन अनाउंसमेंट है वो नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था वो तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिर आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक तेईस अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूजिक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भटोत्कर श्रेया कोल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया कोल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उसे पहले बता दें कि जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइज में राइट्स खरीदे हुए सत्रह को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस सितंबर 2023 तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है पहला है शर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पे दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है उसको भी उन्होंने कंपोज किया हुआ नसादिया सुक्ता करके जो गाना है न सुक्ता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है वंशराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफ़ी सारे राहुल जितनीस विवेक नायक नितिन का करण दिकर सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत भो कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अदमाय और अदमाय वाखले चिन्मय विनायक आबिर चौधरी विना जो से और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना न सुक्ता सुख्ता रोकवर्धन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वो गवाया गवा गया था आफ्टर द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कौल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पाँच ट्रेक है जिसकी लेंथ सत्रह मिनट इकतीस सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फ़िलहाल में अगर इन सभी गानों को इन ट्रैक को सुनना है तो आप ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इसके अनाउंसमेंट है एक टीज़र के साथ की गई थी सेवेंटी सेवन्थ जो इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का तब उस मौके के ऊपर जहाँ पे बताया गया था कि बायो साइंस फिल्म होने वाली है जो कोवैक्सीन जो बनाई गई थी वैक्सीन के समय तो उसके ऊपर है तो इस वजह से इस फिल्म का नाम द वैक्सीन वॉर भी रखा हुआ है उसके बाद में रिलीज डेट अनाउंस की गई थी कि यह फिल्म करीबन अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को आपको देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज़ डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर दो लेकिन उसके बाद में इसको करीबन ग्यारह लैंग्वेजेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था कि जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलुगु तमिल कन्नड़ा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी ये सभी लैंग्वेजेस में जहां पर फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था सेप्टेम्बर बारह सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते डिसेंट बस क्रिएट हुआ है अब देखते हैं कि इस बस के साथ वो किस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है उसके बाद कैसा क्या रिव्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म कितना लंबा रन लेगी कितना क्या कलेक्शन करेगी अट्ठाईस 28 सितंबर 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले अब देखते हैं कि उस दिन के बाद ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कमल करती है किस तरह से वो लोगों के बीच में जगह बना पाती है वैसे रिव्यू अग्नि होती रही है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्म बनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं जिस की तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती है अब देखते हैं कि इस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ है क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायोसाइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़का है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में ही पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा और उसके बाद ही फिल्म देख सकोगे ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक को कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है हो सकता है ओ और सेटेलाइट राइट्स वेक अग्निहोत्री की जो पिछली फिल्म है उसकी तरह जी के द्वारा ही खरीदा जाए अगर ऐसा होता है तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के

करवाया जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी भी विवेक अग्निहोत्री की फिल्में उसके राइट्स जी नेटवर्क ने ही खरीदे हुए इस बार भी म्यूज़िक के राइट्स उनके ही पास है तो हो सकता है कि के जीफा प्लेटफॉर्म के ऊपर द वैक्सीन वॉर फिल्म आने वाले समय में इंग्लिश विध सब्सक्रिप्शन हिंदी लैंग्वेज के अलावा तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज की जाए उसके बाद में इस फिल्म को उसके कुछ महीनों के बाद सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जा सकता है अगर जी के पास राइट्स है तो वहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस सर से था वैक्सीन वॉर फिल्म आप ओटीटी सैटेलाइट थिएटर में एंजॉय कर पाओगे द वैक्सीन वॉर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज मेडिकल थ्रिलर फिल्म है ये इंडिया की पहली ऐसी लोथी फिल्म है जिसको बायो साइंस के जोनर के साथ बनाया है पहली बायो साइंस फिल्म है इंडिया की जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफी सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है जहां पे वो फिल्मों के लिए जाने जाते। और इसके अलावा उन्होंने जी फाइव पे वो भी जी फाइव के लिए उन्होंने प्रीमियर द टास्क एंड फाइल आई थी उससे पहले उन्होंने जुनियत दो में बनाई थी बुद्धाइन ट्राफिक जाम थी वो भी दो में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी को दो में बनाया था ट को 2005 में धन 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 गोल को 2007 में बनाया हुआ था तो यह उनकी फिल्मोग्राफी जैसे ही जैसे समय जाता गया उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नजरिया ही बदल दिया जहाँ पे उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि इन जाम हो गई इसके बाद में द टास्क एंड फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिसन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर ट्रूथ थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो द वैक्सीन वो फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज़ थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने में उनको मदद की हुए और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पेन एन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट्स वो जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदलाई तब से सभी राइट्स है उनके वही खरीदते आ रहे हैं ओ टी टी सेटेलाइट म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रैमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस, एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक सौ साठ मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक सौ इकसठ मिनट का रन टाइम तो पौने दिन क... तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो हज़ार तेईस को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि बारह साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई इससे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी जी, पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली है हाँ ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जॉनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द टास्क एंड फाइल फिल्म बनाई गई ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए ये फिल्म नजर आएगी अब देखते हैं कि इन सभी चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो रोहित शर्मा वंजराज भाटिया स्वप्निल भडोला भडोतकर और श्रेया कौल के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड कंपोज किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको दो में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पाँच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रायमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर यागना तुरपाती जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन, उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते हैं कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे क्या सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके है और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए विवेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बनाया है फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिफिक और मेडिकल कम्युनिटीज है उनके लिए इर्द गिर्द उनके गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या उनको मुसीबतों का करना सामना करना पड़ा था को वैक्सीन जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया हुआ है जहाँ पे वो पहली ऐसी बायो साइंस फिल्म वो बनाए हुए हैं जहाँ पे इन सभी चीज़ों को किस तरह से दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। इसका मतलब कि इसमें काफ़ी डिटेलिंग में सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहाँ पर वो चीज़ों को काफी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीज़ें दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें उन जो दो दो ढाई तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नज़र नहीं आते उनकी कहानियों में जिस तरह से वो एक्टर से परफॉर्मेंसेस निकलवाते जिस तरह से उनके फिल्मों में जो म्यूज़िक का यूज़ किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीज़ें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नजर आते हैं अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉस मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे लाइक्स भी मिले हुए यूट्यूब पर अच्छी कमेंट्स नज़र आ रही है तो अब देखते हैं कि इसको कितनी स्क्रीन्स मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते हुए से बर्ज इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन शो ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म की प्रोडक्शन उस अनाउंसमेंट है वो नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था और तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिर आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक तेईस अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूजिक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भटोत्कर श्रेया कोल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया कोल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उससे पहले बता दें कि जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए सत्रह सभी गानों को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस से हजार तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है पहला है द वैक्सीन वॉर थीम जिसको मरोोहित शर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पर दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है द वैक्सीन वॉर थीम का उसको भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है नसादिया सुक्ता करके जो गाना है नसडिया सुक्ता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है वंशराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफी सारे राहुल जितने विवेक नायक नितिन का करणディकर सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत बोसाहब कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अद्माय और अद्माय वाखले जिनमय विनायक आबिर चौधरी विना जो और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना ना सुक्ता नासक्ता वर्जन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वो गवाया गवा गया था आफ्टर द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कौल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पाँच ट्रेक है जिसकी लेंथ सत्रह मिनट इकतीस सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फ़िलहाल में अगर इन सभी गानों को

देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर दो की लेकिन उसके बाद में इसको करीबन ग्यारह लैंग्वेजेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था कि जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलुगु तमिल कन्नडा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी ये सभी लैंग्वेजेस में जहां पे फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो सेप्टेम्बर दो बारह सेप्टेम्बर दो को रिलीज किया गया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते डिसेंट बस क्रिएट हुआ है अब देखते हैं कि इस बस के साथ वो किस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है उसके बाद कैसा क्या रिव्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म कितना लंबा रन लेगी कितना क्या कलेक्शन करेगी करीबन अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले अब देखते हैं कि उस दिन के बाद ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कमाल करती है किस तरह से वो लोगों के बीच में जगह बना पाती है वैसे अगर रिव्यू कगनी होती है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज़्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्में अपनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं जिस तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती है अब देखते हैं कि इस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ है क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायोसाइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़का है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में ही पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो हज़ार तेईस की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा और उसके बाद ही फिल्म देख सकोगे ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है हो सकता है ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स वेक अग्निहोत्री की जो पिछली फिल्म है उसकी तरह जी के द्वारा ही खरीदा जाए अगर ऐसा होता है तो थिएट्रिकल रिलीज के कुछ महीनों के बाद

करवाई जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म नहीं खरीदे हुए तो हो सकता है कि अलावा तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज की जाए उसके बाद में इस फिल्म को उसके कुछ महीनों के बाद सैटेलाइट चैनल सिनेमा के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जा सकता है तो वहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस दर से था वैक्सीन वॉर फिल्म आप ओटीटी सैटेलाइट थिएटर में एंजॉय कर पाओगे द वैक्सीन वॉर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज मेडिकल थ्रिलर फिल्म है ये इंडिया की पहली ऐसी लोती फिल्म है जिसको बायो साइंस के जोनर के साथ बनाया हुई पहली बायो साइंस फिल्म है इंडिया की जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे वो द कश्मीर फाइल द टास्क एंड फाइल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने जी फाइव पे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीरीज बनाई थी द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड वो भी जी फाइव के लिए उन्होंने प्रीमियर करवाया था उससे पहले द टास्क एंड फाइल आई थी उससे पहले उन्होंने जुनियत दो हजार सोलह में बनाई थी बुद्धाइन ट्राफिक जाम थी वो भी दो हज़ार सोलह में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी दो हजार चौदह में हिस्टोरी को दो हजार बारह में बनाया था ट को 2005 में धन धना धन गोल को 2007 में बनाया हुआ था तो ये उनकी फिल्मोग्राफी है जैसे ही जैसे समझ जाता गया उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नजरिया ही बदल दिया जहाँ पर उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि द दा इन ट्राफिक जाम हो गई इसके बाद में द टास्क एंड फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिसिएसन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर ट्रूथ थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो द वैक्सीन वो फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज़ थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने भी उनको मदद की हुई है और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीजें उन्होंने की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पे एन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदलाई तब से सभी राइट्स हैं उनके वही खरीदते आ रहे हैं ओ टी, -टी म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी रहिमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक सौ साठ मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक सौ इकसठ मिनट का रन टाइम तो पौने दिन कर, तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो हज़ार तेईस को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि बारह साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई इससे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली है हाँ ये एंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जोनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द टास्क फाइल फिल्म बनाई गई थी ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए ये फिल्म नजर आएगी अब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर ये इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो रोहित शर्मा वंजराज भाटिया स्वप्निल भडोला भडोत कर और श्रेया कोल के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड्स का कंपोज किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक है जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पाँच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रैमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर याग्ना तुरला पाती जैसे कहीं बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन आ, उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते हैं कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे किया सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके हैं और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए विवेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बनाया फिल्म की कहानी जैसे मैंने कहा कि साइंटिफिक और मेडिकल का कम्युनिटीज है उनके लिए इर्गर्द उनके इर्गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या उनको मुसीबतों का करना सामना करना पड़ा था को वैक्सीन जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया हुआ है जहां पे वो पहली ऐसी बायो साइंस फिल्म वो बनाए हुए हैं जहाँ पे इन सभी चीज़ों को किस तरह से दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। इसका मतलब कि इसमें काफ़ी डिटेलिंग में सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहाँ पर वो चीज़ों को काफी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीज़ें दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें उन दो जो ढाई जो तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नज़र नहीं आते उनकी कहानियों में जिस तरह से वो एक्टर से परफॉर्मेंसेस निकलवाते जिस तरह से उनके फिल्मों में जो म्यूज़िक का यूज़ किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीज़ें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नजर आते हैं अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉस मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे लाइक्स भी मिले हुए हैं यूट्यूब पर अच्छी कमेंट्स नजर आ रही है तो अब देखते हैं कि इसको कितनी स्क्रीनस मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते वैसे बाज इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म की प्रोडक्शन उस अनाउंसमेंट वो नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था और तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिर आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक तेईस अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूजिक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भटोदकर श्रेया कोल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया कोल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उससे पहले बता दें कि जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए सत्रह मीट इक्ति साउंड ट्रैक है जहां पे 2022 में इन सभी गानों को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस से हजार तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल है पहला गाना है द वैक्सीन वॉर थीम जिसको मरोहित शर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पे दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है द वैक्सीन वॉर थीम का उसको भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है नसादिया सुक्ता करके जो गाना है न सुक्ता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है वंशराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफ़ी सारे राहुल जितनीस विवेक नायक नितिन का करण सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत भो कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अदमाई और अदमाए वाखले चिन्मय विनायक आबिर चौधरी विना जोशी और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना नसरिया रोक रोकवर्धन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वो गवाया गया था आफ्टर द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कौल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पाँच ट्रेक है जिसकी लेंथ सत्रह मिनट इक्कीस सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फ़िलहाल में अगर इन सभी गानों को इन ट्रेक को सुनना है तो आप ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इसके अनाउंसमेंट है एक टीज़र के साथ की गई थी सेवेंटी सेवन्थ जो इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का तब उस मौके के ऊपर जहाँ पे बताया गया था कि एक बायोसाइंस फिल्म होने वाली है जो कोवैक्सीन जो बनाई गई थी वैक्सीन के समय तो उसके ऊपर है तो इस वजह से इस फिल्म का नाम द वैक्सीन वॉर भी रखा हुआ है उसके बाद में रिलीज डेट अनाउंस की गई थी कि यह फिल्म करीबन अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को आपको देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज़ डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर दो की लेकिन उसके बाद में इसको करीबन ग्यारह लैंग्वेजेस में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था कि जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलुगु तमिल कन्नड़ा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी ये सभी में जहां पर फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो सेप्टेबर से दो हजार तेईस को रिलीज किया गया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते डिसेंट बस क्रिएट हुआ है अब देखते हैं कि इस बस के साथ वो किस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है उसके बाद कैसा क्या रिव्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म कितना लंबा रन लेगी कितना क्या कलेक्शन करेगी करीबन 28 सितंबर 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले अब देखते हैं कि उस दिन के बाद ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कमाल करती है किस तरह से वो लोगों के बीच में जगह बना पाती है वैसे रिव्यू अग्नि हो है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्म बनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं जिस तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें लोगों को ज्यादा पसंद आती है अब देखते हैं कि इस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ है क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायोसाइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़का है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में ही पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा और उसके बाद ही फिल्म देख सकोगे ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है हो सकता है ओ और सेटेलाइट राइट्स विवेक अग्निहोत्री की जो पिछली फिल्म है उसकी तरह जी के द्वारा ही खरीदा जाए अगर ऐसा होता है तो थिएट्रिकल रिलीज के कुछ महीनों के

करवाया जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म नहीं खरीदे हुए तो हो सकता है हिंदी लैंग्वेज के अलावा तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम जैसी मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज की जाए उसके बाद में इस फिल्म को उसके कुछ महीनों के बाद सेटेलाइट चैनल सिनेमा के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जा सकता है तो वहां पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस सर से था वैक्सीन वॉर फिल्म आप ओटीटी सैटेलाइट थिएटर में एंजॉय कर पाओगे द वैक्सीन वॉर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज मेडिकल थ्रिलर फिल्म है ये इंडिया की पहली ऐसी लोथी फिल्म है जिसको बायो साइंस के जोनर के साथ बनाया हुई पहली बायो साइंस फिल्म है इंडिया की जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे वो द कश्मीर फाइल द टास्क एंड फाइल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने जी फाइव पे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीरीज़ बनाई थी द कश्मीर फाइल वो भी के लिए था। उससे पहले, पहले उन्होंने हज़ार 2016 में बनाई थी बुद्धाइन ट्राफिक जाम थी वो भी 2016 में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी 2014 में हिस्टोरी को 2012 में बनाया था चॉकलेट को 2005 में धन दन धन दन गोल को 2007 में बनाया हुआ था ये उनकी फ़िल्मोग्राफी जैसे ही जैसे समझ जाता गया उन्होंने अपनी फ़िल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नज़रिया ही बदल दिया जहाँ पर उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि द बुडा इन ट्राफिक जाम हो गई इसके बाद में द टास्क फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर ट्रूथ थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो द वैक्सीन वो फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज़ थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने में उनको मदद की हुई और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीजें उन्होंने की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पेन एन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदला है तब से सभी राइट्स है उनके वही खरीदते आ रहे हैं सैटेलाइट म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रैमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक सौ साठ मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक सौ इकसठ मिनट का रन टाइम तो पौने दिन का, तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो हज़ार तेईस को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि बारह साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई ऐसे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीजें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली हाँ ये एंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जोनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द एंड फाइल फिल्म बनाएगी ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए ये फिल्म नजर आएगी अब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर ये इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो रोहित शर्मा वंजराज भाटिया स्वप्निल भडोला भडोत और श्रेया कोल के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड का कंपोज किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रायमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर याग्न तुरला पाती जैसे कहीं बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन, उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते हैं कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे क्या सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके हैं और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए विवेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बनाया है। फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिफिक और मेडिकल का कम्युनिटीज है उनके लिए इर्गिद उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइनटीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा था को जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया हुआ है जहां पे वो पहली ऐसी जहाँ पे इन सभी चीजों को किस तरह से दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, इसका मतलब कि इसमें काफ़ी डिटेलिंग में सभी चीजों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहां पर वो चीज़ों को काफी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीजें दिखाई जाती है वो सभी चीजें उन जो दो ढाई तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नजर नहीं आते उनकी कहानियों में जिस तरह से वो एक्टर से परफॉर्मेंसेस निकलवाते जिस तरह से उनके फिल्मों में जो म्यूजिक का यूज़ किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीज़ें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नजर आते हैं अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे लाइक्स भी मिले हुए यूट्यूब पर अच्छी कमेंट्स नजर आ रहे हैं तो अब देखते हैं कि इसको कितनी स्क्रीन्स मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते हुए वैसे बाज इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज़ अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म के प्रोडक्शन अनाउंसमेंट वह नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था वो तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिरी आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक तेईस अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूजिक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भटोत्कर श्रेया कोल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया कोल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उससे पहले बता दें कि जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए सत्रह मीट इकतीस सेकंड का साउंड ट्रैक है दो पे बाईस में इन सभी गानों को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस सेप्टेम्बर दो तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने यूट्यूब पे ऑफिशियल के ऊपर अवेलेबल है पहला गाना है द वैक्सीन वॉर थीम जिसको मजोहित शर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पे दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है द वैक्सीन वॉर थीम का उसको भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है नसादिया सुक्ता करके जो गाना है नसडिया सुक्ता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है बंसराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफ़ी सारे राहुल जितनीस विवेक नायक नितिन का करण दिकर सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत भोसाहेब कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अधमाय और अधमाय वाखले चिन्मय विनायक आबिर चौधरी विना जोशी और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना नासड़िया सुख्ता रोक वर्जन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज जिस स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वह गवाया गया था आप द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कौल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पांच ट्रैक है जिसकी सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फिलहाल में अगर इन सभी गानों को इन ट्रैक को सुनना है तो आप ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो इसके अनाउंसमेंट है एक टीजर के साथ की गई थी सेवनटी सेवंथ जो इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का तब उस मौके के ऊपर जहाँ पे बताया गया था कि एक बायो साइंस फिल्म होने वाली है जो कोवैक्सीन जो बनाई गई थी वैक्सीन के समय तो उसके ऊपर है तो इस वजह से इस फिल्म का नाम द विकसन वॉर भी रखा हुआ है उसके बाद में रिलीज डेट अनाउंस की गई थी कि ये फिल्म करीबन अट्ठाईस को आपको देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर दो की लेकिन उसके बाद में इसको करीबन ग्यारह लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था कि जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलुगु तमिल कन्नडा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी ये सभी लैंग्वेजेस में जहां पे फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो बारह सेप्टेंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया

रिव्य कगनी हो रही है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्में बनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते जिस तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें लोगों को ज्यादा पसंद आती है अब देखते हैं किस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ है क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायोसाइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़खा है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में ही पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सेप्टेबर दो की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा और उसके बाद ही फिल्म देख सकोगे ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है हो सकता है ओ और सेटेलाइट राइट्स वेक अग्निहोत्री की जो पिछली फिल्म है उसकी तरह जी के द्वारा ही खरीदा जाए अगर ऐसा होता है तो थिएट्रिकल रिलीज के कुछ महीनों के बाद

करवाया जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्में उसके राइट्स जी नेटवर्क नहीं खरीदे हुए इस बार भी म्यूज़िक के राइट्स उनके ही पास है तो हो सकता है कि जी फाइव प्लेटफॉर्म के ऊपर द वैक्सीन वॉर फिल्म आने वाले समय में विध इंग्लिश टाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी लैंग्वेज के अलावा तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज की जाए उसके बाद में इस फिल्म को उसके कुछ महीनों के बाद सेटेलाइट चैनल जी सिनेमा के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जा सकता है अगर जी के पास राइट्स है तो वहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तर से था वैक्सीन वॉर फिल्म आप ओटीटी सैटेलाइट थिएटर में एंजॉय कर पाओगे द वैक्सीन वॉर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज मेडिकल थ्रिलर फिल्म है। ये इंडिया की पहली ऐसी लोथी फिल्म है जिसको बायो साइंस के जोनर के साथ बनाया हुई पहली बायो साइंस फिल्म है इंडिया की जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे वो द कश्मीर फाइल द टास्क एंड फाइल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने जी फाइव पर एक सीरीज़ बनाई थी द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड वो भी जी फाइव के लिए उन्होंने प्रीमियर करवाया था उससे पहले द टास्क एंड फाइल आई थी उससे पहले उन्होंने जूनीत दो में बनाई थी बुद्धाइन ट्राफिक जाम थी वो भी दो में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी दो में हिस्टोरी को दो में बनाया था चौक ट को 2005 में धन धना धन गोल को 2007 में बनाया हुआ था तो ये उनकी फिल्मोग्राफी जैसे ही जैसे समय जाता गया उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नजरिया ही बदल दिया जहाँ पे उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि दुड द इन ट्राफिक जाम हो गई इसके बाद में द टास्क एंड फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिसिएसन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर ट्रू थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो द वैक्सीन वॉर फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज़ थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने में उनको मदद की हुई और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीजें उन्होंने की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदलाए तब से सभी राइट्स है उनके वही खरीदते आ रहे हैं ओ टी, -टी म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहिमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस, एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक सौ साठ मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक सौ इकसठ मिनट का रन टाइम तो पौने दिन तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो हज़ार तेईस को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि बारह साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई इससे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली है हाँ ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जोनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द एंड फाइल फिल्म बनाएगी ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए ये फिल्म नजर आएगी अब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर ये इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग से वो रोहित शर्मा वंजराज भाटिया स्वप्निल भडोला भडोकर और श्रेया के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड्स का कंपोज किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक है जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रायमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर याग्ना तुर्ला पाती जैसे कहीं बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन, उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते हैं कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे क्या सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके हैं और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए विवेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बनाया है फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिफिक और मेडिकल कम्यूनिटीज है उनके लिए इर्द गिर्द उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या उनको मुसीबतों का करना सामना करना पड़ा था को जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया हुआ है जहाँ पे वो पहली ऐसी बायो साइंस बनाए हुए जहां पे इन सभी को किस तरह से दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। इसका मतलब कि इसमें काफ़ी डिटेलिंग में सभी चीजों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहां पर वो चीजों को काफी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीजें दिखाई जाती है वो सभी चीजें उन जो दो ढाई तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नज़र नहीं आते उनकी कहानियों में जिस तरह से वो एक्टर से परफॉर्मेंसेस निकलवाते जिस तरह से उनके फिल्मों में जो म्यूज़िक का यूज़ किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीज़ें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नज़र आते हैं अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉस मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे लाइक्स भी मिले हुए हैं यूट्यूब पर अच्छी कमेंट्स नजर आ रही है तो अब देखते हैं कि इसको कितनी स्क्रीन्स मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते हुए वैसे बाज इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज़ अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन सो ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म के प्रोडक्शन अनाउंसमेंट वो नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था वो तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिर आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक तेईस अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूजिक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भटोत्कर श्रेया कौल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया कौल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उससे पहले बता दें कि जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए सत्रह मिनट इक्कीस सेकंड का साउंड ट्रैक है जहाँ पे दो में इन सभी गानों को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस सेप्टेंबर दो तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने यूट्यूब पर ऑफिशियली म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल है पहला गाना है द वैक्सीन वॉर थीम जिसको मजोहित शर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पे दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है द वैक्सीन वॉर थीम का उसको भी उन्होंने कंपोज किया हुआ है नसादिया सुक्ता करके जो गाना है नसडिया सुक्ता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है वंशराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफ़ी सारे राहुल चितनीस विवेक नायक नितिन का करण दिकर सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत भोसाहेब कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अदमाई और अदमाए वाखले चिन्मय विनायक आबिर चौधरी विना जोशी और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना नसरिया सुखता वर्जन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वह गवाया गया था आफ्टर द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कौल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पाँच ट्रेक है जिसकी लेंथ सत्रह मिनट इकतीस सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फ़िलहाल में अगर इन सभी गानों को इन ट्रेक को सुनना है तो आप ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इसके अनाउंसमेंट है एक टीज़र के साथ की गई थी सेवेंटी सेवन्थ जो इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का तब उस मौके के ऊपर जहाँ पे पता गया था कि एक बायोसाइंस फिल्म होने वाली है जो कोवैक्सिन जो बनाई गई थी वैक्सीन के समय तो उसके ऊपर है तो इस वजह से इस फिल्म का नाम द वैक्सीन वोर भी रखा हुआ है उसके बाद में रिलीज़ डेट अनाउंस की गई थी कि फिल्म करीबन अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को आपको देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज़ डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर दो तेईस की लेकिन उसके बाद में इसको करीबन ग्यारह लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था कि जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलुगु तमिल कन्नडा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी सभी लैंग्वेजेज में जहां पर फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो सेप्टेबर बारह सेप्टेंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते डिसेंट बस क्रिएट हुआ है अब देखते हैं कि इस बस के साथ वो किस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है उसके बाद कैसा क्या रिव्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म कितना लंबा रन लेगी कितना क्या कलेक्शन करेगी करीबन 28 सितंबर 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले अब देखते हैं कि उस दिन के बाद ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कमाल करती है किस तरह से वो लोगों के बीच में जगह बना पाती है वैसे रिव्यू कग्न होती रही है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्म बनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं जिस तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है अब देखते हैं कि इस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ है क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायो साइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़का है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिर रिपीट कर देता हूँ कि वैक्सीन वॉर फिल्म है वो आपको अट्ठाईस दो देखने को मिलेगी अगर थिएटर के बाद फिल्म को आपको देखना है तो OTT के ऊपर देख सकोगे जहां पे थियेट्रिकल रिलीज के कुछ महीनों के बाद हो सकता है इस फिल्म को OTT के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी भी विवेक अग्निहोत्री की फिल्में उसके राइट्स जी नेटवर्क नहीं खरीदे हुए इस बार भी म्यूजिक के राइट्स उनके ही पास है तो हो सकता है कि जी फाइव के ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर द वैक्सीन वॉर फिल्म आने वाले समय में विथ इंग्लिश सब टाइटल विध

ये इंडिया की पहली ऐसी लोती फिल्म है जिसको बायो साइंस के जोनर के साथ बनाए हुई पहली बायो साइंस फिल्म है इंडिया की जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्नि अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे वो द कश्मीर फाइल द टास्क एंड फाइल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने जी फाइव पर एक सीरीज़ बनाई थी द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड वो भी जी फाइव के लिए उन्होंने प्रीमियर करवाया था उससे पहले द टास्क एंड फाइल आई थी उससे पहले उन्होंने जुनियत दो में बनाई थी बुद्धाइन ट्राफिक जाम थी वो भी दो में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी दो में हिस्टोरी को दो में बनाया था चौक ट को 2005 में धन धना धन गोल को 2007 में बनाया हुआ था तो यह उनकी फिल्मोग्राफी जैसे ही जैसे समय जाता गया उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नजरिया ही बदल दिया जहाँ पे उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि दु बुड इन ट्राफिक जाम हो गई इसके बाद में द टास्क एंड फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिसिएसन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर ट्रूथ थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो द वैक्सीन वो फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज़ थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने में उनको मदद की हुई और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पेन एन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग इस सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदला है तब से सभी राइट्स है उनके वही खरीदते आ रहे हैं ओ टी, -टी म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस, एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज आ, ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक आ, हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक सौ साठ मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक सौ इकसठ मिनट का रन टाइम तो पौने दिन कर, तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो हज़ार तेईस को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि बारह साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई ऐसे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीजें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली हाँ ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जोनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द टास्क एंड फाइल फिल्म बनाएगी ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए ये फिल्म नजर आएगी अब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो रोहित शर्मा वंजराज भाटिया स्वप्निल भडोला भडोतकर और श्रेया कौल के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड्स का कंपोज किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक है जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पाँच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहिमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर याग्नाथ तुर्लापाथी जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन, उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते हैं कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे क्या सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स है इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके हैं और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए वेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बनाया फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिफिक और मेडिकल कम्यूनिटीज है उनके लिए इर्गिर्द उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइनटीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या उनको मुसीबतों का करना सामना करना पड़ा था को वैक्सीन जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया हुआ है जहाँ 啊，对。 वो पहली ऐसी बायो साइंस फिल्म वो बनाए हुए जहाँ पे इन सभी चीज़ों को किस तरह से दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, इसका मतलब कि इसमें काफ़ी डिटेलिंग में सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहाँ पर वो चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीज़ें दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें उन दो ढाई तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नजर नहीं आते उनकी कहानियों में जिस तरह से वो एक्टर से परफॉर्मेंसेस निकलवाते जिस तरह से उनके फिल्मों में जो म्यूजिक का यूज किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीजें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नजर आते है अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉस अच्छे लाइक्स भी मिले हुए यूट्यूब पे अच्छी कमेंट्स नजर आ रहे है, तो अब देखते है कि इसको कितनी स्क्रीन मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते हुए वैसे बाज इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म के प्रोडक्शन अनाउंसमेंट है वो नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था वो तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिर आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक तेईस अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूज़िक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भटोदकर श्रेया कोल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया कोल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उससे पहले बता दें कि जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइज में राइट्स खरीदे हुए सत्रह का इक्ति साउंड है जहां पे 2022 में सभी गानों को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस सितंबर 2023 तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने अवेलेबल है पहला गाना है थीम जिसको म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पे दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है उसको भी उन्होंने कंपोज किया हुआ है नसादिया सुक्ता करके जो गाना है नसडिया सुक्ता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है वंशराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफ़ी सारे राहुल चितनीस विवेक नायक नितिन का करण सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत भो कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अदमाय और अदमाय वाखले चिन्मय विनायक आबिर चौधरी विना जोशी और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना नासड़िया सुखता रोक वर्धन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वह गवाया गवा गया था आफ्टर द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कौल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पाँच ट्रेक है जिसकी लेंथ सत्रह मिनट इकतीस सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फिलहाल में अगर इन सभी गानों को तो इन ट्रैक को सुनना है तो आप ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इसके अनाउंसमेंट है एक टीज़र के साथ की गई थी सेवेंटी सेवन्थ जो इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का तब उस मौके के ऊपर जहाँ पे पता गया था कि एक बायोसाइंस फिल्म होने वाली है जो कोवैक्सीन जो बनाई गई थी वैक्सीन के समय तो उसके ऊपर है तो इस वजह से इस फिल्म का नाम द वैक्सीन वॉर भी रखा हुआ है उसके बाद में रिलीज़ डेट अनाउंस की गई थी कि यह फिल्म करीबन अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को आपको देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज़ डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर दो तेईस की लेकिन उसके बाद में इसको करीबन ग्यारह लैंग्वेजेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था कि जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलगू तमिल कन्नडा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी ये सभी लैंग्वेजेज में जहां पर फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते डिसेंट बस क्रिएट हुआ है अब देखते हैं कि इस बस के साथ वो किस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है उसके बाद कैसा क्या रिव्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म कितना लंबा रन लेगी कितना क्या कलेक्शन करेगी करीबन अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले अब देखते हैं कि उस दिन के बाद ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कमाल करती है किस तरह से वो लोगों के बीच में जगह बना पाती है वैसे अगर रिव्यू कग्नि होती है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्म बनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं जिस तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें लोगों को ज्यादा पसंद आती है अब देखते हैं कि इस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायोसाइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़खा है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में ही पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा और उसके बाद ही फिल्म देख सकोगे ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है हो सकता है ओ टी टी और सेटेलाइट राइड्स विवेक अग्निहोत्री की जो पिछली फिल्म है उसकी तरह जी के द्वारा ही खरीदा जाए अगर ऐसा होता है तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद

करवाया जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी भी विवेक अग्निहोत्री की फिल्में उसके राइट्स जी नेटवर्क नहीं ने खरीदे हुए इस बार भी म्यूजिक के राइट्स उनके ही पास है तो हो सकता है कि जी के ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर फिल्म आने वाले समय में विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी लैंग्वेज के अलावा तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज की जाए उसके बाद में इस फिल्म को उसके कुछ महीनों के बाद सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जा सकता है अगर सी के पास राइट्स है तो वहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से था वैक्सीन वॉर फिल्म आप ओटीटी सैटेलाइट थिएटर में एंजॉय कर पाओगे द वैक्सीन वॉर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज मेडिकल थ्रिलर फिल्म है ये इंडिया की पहली ऐसी लोथी फिल्म है जिसको बायो साइंस के जोनर के साथ बनाया हुई पहली बायो साइंस फिल्म है इंडिया की जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे वो द कश्मीर फाइल द टास्क एंड फाइल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने जी फाइव पर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीरीज बनाई थी द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड वो भी जी फाइव के लिए उन्होंने प्रीमियर करवाया था उससे पहले द टास्क एंड फाइल आई थी उससे पहले उन्होंने जूनियत दो में बनाई थी बुद्धाइन ट्राफिक जाम थी वो भी दो में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी दो में हिस्टोरी को दो में बनाया था चौक ट को 2005 में धन धना धन गोल को 2007 में बनाया हुआ था तो ये उनकी फिल्मोग्राफी जैसे ही जैसे समय जाता गया उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नजरिया ही बदल दिया जहाँ पे उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि दु बुड इन ट्राफिक जाम हो गई इसके बाद में द टास्क एंड फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिससन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर ट्रू थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो वैक्सीन वो फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने में उनको मदद की हुए और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीज़ें उन्होंने की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पेन एन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदलाई तब से सभी राइट्स है उनके वही खरीदते आ रहे हैं सैटेलाइट म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रैमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक सौ साठ मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक सौ इकसठ मिनट का रन टाइम तो पौने दिन का, तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि बारह साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई इससे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली है हाँ ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जोनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द टास्क फाइल फिल्म में बनाएगी ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करती हुई ये फिल्म नज़र आएगी अब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर ये इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो रोहित शर्मा वंजराज भाटिया स्वप्निल भडोला भडोत करो श्रेया के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड्स का कंपोज कम, किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रायमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर याग्ना तुर्ला पाती जैसे कहीं बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जोड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन, उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते हैं कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे क्या सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स है इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके हैं और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए विवेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बना है फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिफिक और मेडिकल का कम्यूनिटीज है उनके लिए इर्गिर्द उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या उनको मुसीबतों का करना सामना करना पड़ा था को वैक्सीन जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया हुआ है जहाँ पे वो पहली ऐसी बायो सा, फिल्म वो बनाए हुए जहां पे इन को किस तरह से दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, इसका मतलब कि इसमें काफी डिटेलिंग में सभी चीजों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहां पर वो चीज़ों को काफी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीज़ें दिखाई जाती है वो सभी चीजें उन जो दो ढाई तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नजर नहीं आते उनकी कहानियों में जिस तरह से वो एक्टर से परफॉर्मेंसेस निकलवाते जिस तरह से उनकी फिल्मों में जो म्यूजिक का यूज किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीजें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नजर आते हैं अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे लाइक्स भी मिले हुए हैं यूट्यूब पर अच्छी कमेंट्स नजर आ रहे हैं तो अब देखते हैं कि इसको कितनी स्क्रीन्स मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते वैसे बर्ज इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज़ अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन शो ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म के प्रोडक्शन अनाउंसमेंट है वो नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था वो तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिर आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक को अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूज़िक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भटोत्कर श्रेया कौल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया कौल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उससे पहले बता दें कि जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का साउंड ट्रैक है दो पे बाईस में इन सभी गानों को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस सेप्टेम्बर दो तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने ऑफिशियली जी म्यूजिक कंपनी के ऊपर अवेलेबल है पहला गाना है द वैक्सीन वॉर थीम जिसको मरोोहित शर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पे दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है द वैक्सीन वॉर थीम का उसको भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है नसादिया सुक्ता करके जो गाना है नसड़िया सुक्ता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है बंसराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफी सारे राहुल जितनी विवेक नायक नितिन का करण सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत भो कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अदमाय और अदमाय वाखले चिन्मय विनायक आबिर चौधरी विना जो से और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना नासरिया सुखता रॉक वर्जन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वह गवाया गवा गया था आफ्टर द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कौल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पाँच ट्रेक है जिसकी लेंथ सत्रह मिनट इकतीस सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फिलहाल में अगर इन सभी गानों तो ट्रैक को सुनना है तो आप ऑफिशियली वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इसके अनाउंसमेंट है एक टीज़र के साथ की गई थी सेवेंटी सेवन्थ जो इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का तब उस मौके के ऊपर जहाँ पे बताया गया था कि एक साइंस फिल्म होने वाली है जो कोवैक्सीन जो बनाई गई थी वैक्सीन के समय तो उसके ऊपर है तो इस वजह से इस फिल्म का नाम द वैक्सीन वोर भी रखा हुआ है उसके बाद में रिलीज़ डेट अनाउंस की गई थी कि यह फिल्म करीबन अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को आपको देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज़ डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर दो तेईस की लेकिन उसके बाद में इसको करीबन ग्यारह लैंग्वेजेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था कि जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलगू तमिल कन्नडा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी ये सभी लैंग्वेज में जहां पर फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो से बारह सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते डिसेंट बस क्रिएट हुआ है अब देखते हैं कि इस बस के साथ वो किस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है उसके बाद कैसा क्या रिव्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म कितना लंबा रन लेगी कितना क्या कलेक्शन करेगी करीबन 28 सितंबर 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले अब देखते हैं कि उस दिन के बाद ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कमाल करती है किस तरह से वो लोगों के बीच में जगह बना पाती है वैसे रिव्यू कगनी होती है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्म बनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं जिस तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है अब देखते हैं कि इस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ है क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायोसाइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़का है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिर रिपीट कर देता हूं कि वैक्सीन वॉर फिल्म है वो आपको अट्ठाईस दो हजार से थिएटर में देखने को मिलेगी अगर थिएटर के बाद फिल्म को आपको देखना है तो OTT के ऊपर देख सकोगे जहां रिलीज के कुछ महीनों के बाद हो सकता है इस फिल्म को OTT के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी भी विवेक अग्निहोत्री की फिल्में उसके राइट्स जी नेटवर्क नहीं खरीदे हुए इस बार भी म्यूजिक के राइट्स उनके ही पास है तो हो सकता है कि के के ऊपर द वैक्सीन वॉर फिल्म आने वाले समय में विथ इंग्लिश सब टाइटल विध

ये इंडिया की पहली ऐसी लोती फिल्म है जिसको बायोसाइंस के जोनर के साथ बनाए हुई पहली बायोसाइंस फिल्म है इंडिया की जहां पे इस फिल्म को डिरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्नि अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे वो द कश्मीर फाइल द टास्क एंड फाइल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने जी फाइव पर एक सीरीज़ बनाई थी द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड वो भी जी फाइव के लिए उन्होंने प्रीमियर करवाया था उससे पहले द टास्क एंड फाइल आई थी उससे पहले उन्होंने जूनियत दो में बनाई थी बुद्धाइन ट्राफिक जाम थी वो भी दो में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी दो में हिस्टोरी को दो में बनाया था चौथा ट को 2005 में धन धना धन गोल को 2007 में बनाया हुआ था ये उनकी फ़िल्मोग्राफी जैसे ही जैसे समय जाता गया उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नजरिया ही बदल दिया जहाँ पे उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि दु बुड इन ट्राफिक जाम हो गई इसके बाद में द टास्क एंड फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर थ्रू थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो वैक्सीन वो फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने में उनको मदद की हुई है और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीज़ें उन्होंने की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पे एन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट्स वो जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए हैं जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदला है तब से सभी राइट्स है उनके वही खरीदते आ रहे हैं ओ टी, -टी म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रैमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक सौ साठ मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक सौ इकसठ मिनट का रन टाइम तो पौने दिन क, तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि बारह साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई ऐसे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीजें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली हाँ ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जोनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द टास्क एंड फाइल फिल्म बनाई गई थी ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए ये फिल्म नजर आएगी अब देखते हैं कि इस सभी चीजों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो रोहित शर्मा वंजराज भाटिया स्वप्निल भडोला भडोकर और श्रेया कौल के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड्स का कंपोज किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड रेक है जिसको दो हजार बाईस में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पाँच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी राहमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर यागना तुर्लापाथी जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन, उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे क्या सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स है इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके हैं और और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए विवेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बना है फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिफिक और मेडिकल का कम्युनिटीज है उनके लिए इर्गिर्द उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या उनको मुसीबतों का करना सामना करना पड़ा था को वैक्सीन जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया हुआ है जहाँ पे वो पहली ऐसी सा, दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है, इसका मतलब कि इसमें काफी डिटेलिंग में सभी चीजों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहां पर वो चीज़ों को काफी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीजें दिखाई जाती है वो सभी चीजें उन जो दो ढाई तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नजर नहीं आते उनकी कहानियों में जिस तरह से वो एक्टर से परफॉर्मेंसेस निकलवाते जिस तरह से उनके फिल्मों में जो म्यूजिक का यूज किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीजें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नजर आते हैं अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे लाइक्स भी मिले हुए हैं यूट्यूब पर अच्छी कमेंट्स नजर आ रहे हैं तो अब देखते हैं कि इसको कितनी स्क्रीन्स मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते वैसे बाज इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज़ अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन शो ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को भी देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म के प्रोडक्शन अनाउंसमेंट है वो नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था वो तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिर आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक तेईस अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूज़िक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भटोदकर श्रेया कौल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया कौल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उससे पहले बता दें कि जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का साउंड ट्रैक है जहां पे दो हज़ार बाईस में सभी गानों को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस सेप्टेम्बर दो हजार तेईस तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने यूट्यूब पर कंपनी के ऊपर अवेलेबल है पहला गाना है द वैक्सीन वॉर थीम जिसको मजोहित शर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पर दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है द वैक्सीन वॉर थीम का उसको भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है नसादिया सुक्ता करके जो गाना है न सुक्ता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है बंसराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफ़ी सारे राहुल चितनीस विवेक नायक नितिन का करंदीकर सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत भो कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अदमाय और अदमाय वाखले चिन्मय विनायक आबिर चौधरी विना जो सी और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना न सरिया सुखता रोकवर्धन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वह गवाया गवा गया था आफ्टर द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कोल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पाँच ट्रेक है जिसकी लेंथ सत्रह मिनट इकतीस सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फिलहाल में अगर इन सभी गानों इन ट्रैक को सुनना है तो आप ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इसके अनाउंसमेंट है एक टीज़र के साथ की गई थी सेवेंटी सेवन्थ जो इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का तब उस मौके के ऊपर जहाँ पे बताया गया था कि एक बायोसाइंस फिल्म होने वाली है जो कोवैक्सीन जो बनाई गई थी वैक्सीन के समय तो उसके ऊपर है तो इस वजह से इस फिल्म का नाम द वैक्सीन वोर भी रखा हुआ है उसके बाद में रिलीज डेट अनाउंस की गई थी कि यह फिल्म करीबन अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को आपको देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज़ डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर दो तेईस की लेकिन उसके बाद में इसको करीबन ग्यारह लैंग्वेजेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था कि जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलगू तमिल कन्नडा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी ये सभी लैंग्वेजेस में जहां पर फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते डिसेंट बस क्रिएट हुआ है अब देखते हैं कि इस बस के साथ वो किस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है उसके बाद कैसा क्या रिव्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म कितना लंबा रन लेगी कितना क्या कलेक्शन करेगी करीबन 28 सितंबर 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले अब देखते हैं कि उस दिन के बाद ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कमल करती है किस तरह से वो लोगों के बीच में जगह बना पाती है वैसे रिव्यू कग्न होती है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्में बनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं जिस तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है अब देखते हैं कि इस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ है क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायोसाइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़का है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में ही पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सितंबर 2023 की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिर रिपीट कर देता हूं कि वैक्सीन वॉर फिल्म है वो आपको अट्ठाईस दो हजार से थिएटर में देखने को मिलेगी अगर थिएटर के बाद फिल्म को आपको देखना है तो OTT के ऊपर देख सकोगे जहां पर थिएट्रिकल रिलीज के कुछ महीनों के बाद हो सकता है इस फिल्म को जीफाईटी प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रीमियर करवाया जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी भी विवेक अग्निहोत्री की फिल्में उसके राइट्स जी नेटवर्क नहीं खरीदे हुए इस बार भी म्यूजिक के राइट्स उनके ही पास है तो हो सकता है कि के के ऊपर द वैक्सीन वॉर फिल्म आने वाले समय में विथ इंग्लिश सब टाइटल विध हिंदी लैंग्वेज के अलावा तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज की जाए उसके बाद में इस फिल्म को उसके कुछ महीनों के बाद सेटेलाइट चैनल से सिनेमा के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जा सकता है अगर के पास तो वहां पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से था वैक्सीन वॉर फिल्म आप ओ टी टी सेटेलाइट में इंजॉय कर पाओगे द वैक्सीन वॉर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज मेडिकल थ्रिलर फिल्म है ये इंडिया की पहली ऐसी लोती फिल्म है जिसको बायो साइंस के जोनर के साथ बनाया हुई पहली बायो साइंस फिल्म है इंडिया की जहाँ पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्नि अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे वो द कश्मीर फाइल द टास्क एंड फाइल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने जी फाइव पर एक सीरीज़ बनाई थी द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड वो भी जी फाइव के लिए उन्होंने प्रीमियर करवाया था उससे पहले द टास्क एंड फाइल आई थी उससे पहले उन्होंने जूनियत दो में बनाई थी इन ट्राफिक जाम थी वो भी दो में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी दो में हिस्टोरी को दो में बनाया था चौथा ट को 2005 में धन धना धन गोल को 2007 में बनाया हुआ था यह उनकी फिल्मोग्राफी जैसे ही जैसे समय जाता गया उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नजरिया ही बदल दिया जहाँ पे उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि द बुड इन ट्राफिक जाम हो गई इसके बाद में द टास्क एंड फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर ट्रू थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो द वैक्सीन वो फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने में उनको मदद की हुई है और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीजें उन्होंने ही की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए हैं जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदला है तब से सभी राइट्स है उनके वही खरीदते आ रहे हैं ओ टी, -टी म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रैमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक मिनट का रन टाइम तो पौने दिन कर, तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि बारह साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई इससे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली है हाँ ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जोनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द टास्क फाइल फिल्म में बनाएगी ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करती हुई ये फिल्म नज़र आएगी अब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर ये इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो रोहित शर्मा वंजराज भाटिया स्वप्निल भडोला भडो और श्रेया कोल के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड्स का कंपोज किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड ट्रेक है जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रायमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर याग्न तुर्ला पाती जैसे कहीं बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन, उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे क्या सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स है इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके हैं और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए विवेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बनाए फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिफिक और मेडिकल का कम्युनिटीज है उनके लिए इर्गिर्द उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या उनको मुसीबतों का करना सामना करना पड़ा था कोवैक्सीन जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया हुआ है जहाँ पे वो पहली ऐसी बायो साइंस फिल्म वो बनाए हुए हैं जहाँ पर इन सभी चीज़ों को किस तरह से दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। इसका मतलब कि इसमें काफी डिटेलिंग में सभी चीजों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहां पर वो चीज़ों को काफी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीज़ें दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें उन जो दो ढाई तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नजर नहीं आते उनकी कहानियों में जिस तरह से वो एक्टर से परफॉर्मेंसेस निकलवाते जिस तरह से उनकी फिल्मों में जो म्यूजिक का यूज किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीजें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नजर आते हैं अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे लाइक्स भी मिले हुए हैं यूट्यूब पे अच्छी कमेंट्स नजर आ रही है तो अब देखते हैं कि इसको कितनी स्क्रीन्स मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते वैसे बाज इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज़ अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म के प्रोडक्शन के उूस अनाउंसमेंट है वो नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था वो तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिर आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक तेईस अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूजिक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूज़िक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भटोदकर श्रेयाकौल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया कौल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उससे पहले बता दें कि जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए सत्रह मीट इकतीस सेकंड का साउंड ट्रैक है दो हजार बाईस में इन सभी गानों को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस सेप्टेम्बर दो हजार तेईस तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने यूट्यूब कंपनी के ऊपर अवेलेबल है पहला गाना है द वैक्सीन वॉर थीम जिसको मजोहित शर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पर दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है द वैक्सीन वॉर थीम का उसको भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है नसादिया सुक्ता करके जो गाना है नसड़िया सुक्ता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है सराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफी सारे राहुल जितने विवेक नायक नितिन का करंदीकर सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत बोसाहिब कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अद्माय और अद्माय वाखले किनमय विनायक आबिर चौधरी विना जो सी और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना नसरिया सुखता रोक वर्धन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वह गवाया गवा गया था आफ्टर द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कौल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पाँच ट्रेक है जिसकी लेंथ सत्रह मिनट इकतीस सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फिलहाल मैं अगर इन सभी गानों ट्रैक को सुनना है तो आप ऑफिशियल वीडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इसके अनाउंसमेंट है एक टीज़र के साथ की गई थी सेवेंटी सेवन्थ जो इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का तब उस मौके के ऊपर जहाँ पे पता गया था कि एक बायोसाइंस फिल्म होने वाली है जो कोवैक्सीन जो बनाई गई थी वैक्सीन के समय तो उसके ऊपर है तो इस वजह से इस फिल्म का नाम द वैक्सीन वोर भी रखा हुआ है उसके बाद में रिलीज डेट अनाउंस की गई थी कि यह फिल्म करीबन अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को आपको देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज़ डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर दो तेईस की लेकिन उसके बाद में इसको करीबन ग्यारह लैंग्वेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था कि जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलगू तमिल कन्नड़ा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी ये सभी लैंग्वेज में जहां पर फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो से बारह सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते डिसेंट बस क्रिएट हुआ है अब देखते हैं कि इस बस के साथ वो किस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है उसके बाद कैसा क्या रिव्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म कितना लंबा रन लेगी कितना क्या कलेक्शन करेगी करीब 28 सितंबर 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले अब देखते हैं कि उस दिन के बाद ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कमाल करती है किस तरह से वो लोगों के बीच में जगह बना पाती है वैसे अग्नि होती है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्म बनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं जिस तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें लोगों को ज्यादा पसंद आती है अब देखते हैं कि इस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ है क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायोसाइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़का है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में ही पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा और उसके बाद ही फिल्म देख सकोगे ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है हो सकता है ओ टी टी और सेटेलाइट राइड्स विवेक अग्निहोत्री की जो पिछली फिल्म है उसकी तरह जी के द्वारा ही खरीदा जाए अगर ऐसा होता है तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद

करवाया जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्में फिल्म है उसके राइटवर्क नहीं खरीदे हुए इस बार भी म्यूजिक के राइट्स उनके ही पास है तो हो सकता है कि जी फाइव केम के ऊपर द वैक्सीन वॉर फिल्म आने वाले समय में विध इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन हिंदी लैंग्वेज के अलावा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम जैसी मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज की जाए उसके बाद में इस फिल्म को उसके कुछ महीनों के बाद सैटेलाइट चैनल जी सिनेमा के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जा सकता है अगर जी के पास राइट्स है तो वहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से था वैक्सीन वॉर फिल्म आप ओटीटी सैटेलाइट थिएटर में एंजॉय कर पाओगे द वैक्सीन वॉर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज मेडिकल थ्रिलर फिल्म है ये इंडिया की पहली ऐसी लोथी फिल्म है जिसको बायो साइंस के जोनर के साथ बनाया हुई पहली बायो साइंस फिल्म है इंडिया की जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे वो द कश्मीर फाइल द टास्क एंड फाइल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने जी फाइव पे एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सीरीज बनाई थी द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड वो भी जी फाइव के लिए उन्होंने प्रीमियर करवाया था उससे पहले द टास्क एंड फाइल आई थी उससे पहले उन्होंने जूनीत दो में बनाई थी बुद्धाइन ट्राफिक जाम थी वो भी दो में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी दो में हिस्टोरी को दो में बनाया था ट को 2005 में धन धना धन गोल को 2007 में बनाया हुआ था तो यह उनकी फिल्मोग्राफी जैसे ही जैसे समझ जाता गया उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नजरिया ही बदल दिया जहाँ पे उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि दुबुडा इन ट्राफिक जाम हो गई इसके बाद में द टास्क एंड फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर ट्रू थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो द वैक्सीन वो फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने भी उनको मदद की हुए और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीज़ें उन्होंने की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पेन मरुदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट्स और जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदलाई तब से सभी राइट्स है उनके वही खरीदते आ रहे हैं ओ टी टी म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रैमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक सौ साठ मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक सौ इकसठ मिनट का रन टाइम तो पौने दिन कर, तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो हजार तेईस को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि 12 साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई ऐसे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली है हाँ ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जोनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द एंड फाइल फिल्म बनाएगी ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए ये फिल्म नज़र आएगी अब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर ये इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो रोहित शर्मा वंजराज भाटिया स्वप्निल भडोला भडो करो श्रेया कोल के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड्स का कंपोज कम, किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट सी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक है जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रायमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर याग्न तोला पाती जैसे कहीं बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते हैं कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे क्या सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके है और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए विवेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बनाए फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिफिक और मेडिकल का कम्युनिटीज है उनके लिए इर्गिर्द उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या उनको मुसीबतों का करना सामना करना पड़ा था कोवैक्सीन जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया हुआ है जहाँ पे वो पहली ऐसी बायो साइंस फिल्म वो बनाए हुए हैं जहां पे इन सभी चीज़ों को किस तरह से दिखाए उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। इसका मतलब कि इसमें काफी डिटेलिंग में सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहां पर वो चीज़ों को काफी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीज़ें दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें उन जो दो ढाई तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नजर नहीं आते उनकी कहानियों में जिस तरह से वो एक्टर से परफॉर्मेंसेस निकलवाते जिस तरह से उनकी फिल्मों में जो म्यूजिक का यूज किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीजें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नजर आते हैं अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे लाइक्स भी मिले हुए हैं यूट्यूब पर अच्छी कमेंट्स नजर आ रही है तो अब देखते हैं कि इसको कितनी स्क्रीन मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते वैसे बाज इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज़ अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन शो ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा तब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म के प्रोडक्शन के उूस अनाउंसमेंट है वो नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था वो तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिर आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक तेईस अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूज़िक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भटोदकर श्रेयाकोल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया श्रेयाकोल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उससे पहले बता दें कि जी म्यूज़िक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का साउंड ट्रैक है जहां पे दो हज़ार बाईस में इन सभी गानों को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस सेप्टेम्बर दो हजार तेईस तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने यूट्यूब पर कंपनी के ऊपर अवेलेबल है पहला गाना है द वैक्सीन वॉर थीम जिसको मरोोहित शर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पर दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है द वैक्सीन वॉर थीम का उसको भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है नसादिया साधिया सुखता करके जो गाना है नसड़िया सड़िया सुखता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है बंसराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफ़ी सारे राहुल चितनीस विवेक नायक नितिन का करण सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत भोसाहेब कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अदमाई और अदमाए वाखले चिन्मय विनायक आबिर चौधरी विना जोशी और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना न सरिया रोक वर्जन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वह गवाया गया था आफ्टर द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कौल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पाँच ट्रेक है जिसकी लेंथ सत्रह मिनट इक्कीस सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फिलहाल में अगर इन सभी गानों को इन ट्रेक को सुनना है तो आप ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो अब हम रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो इसके अनाउंसमेंट है एक टीज़र के साथ की गई थी सेवेंटी सेवन्थ जो इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का तब उस मौके के ऊपर जहाँ पे बताया गया था कि एक बायोसाइंस फिल्म होने वाली है जो कोवैक्सीन जो बनाई गई थी वैक्सीन के समय तो उसके ऊपर है तो इस वजह से इस फिल्म का नाम द वैक्सीन वोर भी रखा हुआ है उसके बाद में रिलीज डेट अनाउंस की गई थी कि यह फिल्म करीबन अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो को आपको देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज़ डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर दो की लेकिन उसके बाद में इसको करीबन ग्यारह लैंग्वेजेज में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलगू तमिल कन्नडा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी सभी भोजपुर में जहां पे फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था बारह सेप्टेम्बर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला जिसके चलते डिसेंट बस क्रिएट हुआ है अब देखते हैं कि इस बस के साथ वो किस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है उसके बाद कैसा क्या रिव्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म कितना लंबा रन लेगी कितना क्या कलेक्शन करेगी करीब 28 सितंबर 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले अब देखते हैं कि उस दिन के बाद ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कमाल करती है किस तरह से वो लोगों के बीच में जगह बना पाती है वैसे कग्न होती है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्म बनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं जिस तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती है अब देखते हैं कि इस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायोसाइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़का है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में ही पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा और उसके बाद ही फिल्म देख सकोगे ओ टी के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है हो सकता है ओ टी टी और सेटेलाइट राइड्स विवेक अग्निहोत्री की जो पिछली फिल्म है उसकी तरह जी के द्वारा ही खरीदा जाए अगर ऐसा होता है तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद

करवाया जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है उसके नेटवर्क नहीं खरीदे हुए तो हो सकता है अलावा तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम जैसी मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज की जाए उसके बाद में इस फिल्म को उसके कुछ महीनों के बाद सैटेलाइट चैनल सिनेमा के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जा सकता है तो वहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से था वैक्सिन वॉर फिल्म आप ओटीटी सैटेलाइट थिएटर में एंजॉय कर पाओगे द वैक्सिन वॉर जो 2023 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज मेडिकल थ्रिलर फिल्म है ये इंडिया की पहली ऐसी लोथी फिल्म है जिसको बायो साइंस के जोनर के साथ बनाया हुई पहली बायो साइंस फिल्म है इंडिया की जहां पे इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने विवेक रंजन अग्निहोत्री जिन्होंने इससे पहले काफ़ी सारी फिल्मों को डरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे वो द कश्मीर फाइल द टास्क एंड फाइल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने जी फाइव पे एक औरल डॉक्यूमेंट सीरीज बनाई थी द कश्मीर फाइल अनरिपोर्टेड वो भी जी फाइव के लिए उन्होंने प्रीमियर करवाया था उससे पहले द टास्क एंड फाइल आई थी उससे पहले उन्होंने जूनियत दो में बनाई थी इन ट्राफिक जाम थी वो भी दो में बनाई गई थी उससे पहले जीत बनाई थी दो में हिस्टोरी को दो में बनाया था जो ट को 2005 में धन दन धना धन दन गोल को 2007 में बनाया हुआ था तो यह उनकी फिल्मोग्राफी जैसे ही जैसे समझ जाता गया उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में फिल्मों को बनाने का नजरिया ही बदल दिया जहाँ पे उन्होंने आखिरी कुछ फिल्में जैसे कि दुबु दा इन ट्राफिक जाम हो गई इसके बाद में द टास्क एंड फाइल हो गई द कश्मीर फाइल कुछ उस टाइप की वो फिल्में बनाने लगे जहाँ पे उस फिल्मों के साथ उनको अच्छा अप्रिसिएशन भी मिला जिस तरह से जो अनकवर ट्रुथ थे वो जिस तरह से अपनी कहानियों में सामने लाते उसके लिए भी उनको काफ़ी सराहना मिली हुई तो अब एक बार फिर से वो द वैक्सीन वो फिल्म के साथ आए हुए जहाँ पे जितने भी जो साइंटिस्ट थे जो मेडिकल कम्युनिटीज थी जिस तरह से उस समय उस सिचुएशन को उन्होंने हैंडल किया था जिस तरह से वैक्सीन बनाई थी और उसके लिए उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा था वही सब चीज़ों में फ़िल्म की कहानी को सेट किया हुआ है इस फिल्म को डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री ने ही डिरेक्ट किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले इन सभी चीज़ों में पल्लवी जोशी ने भी उनको मदद की हुए और उनकी जो टीम है टेक्निकल टीम वो भी विवेक अग्निहोत्री के साथ जुड़ी हुई थी वैसे मेनली सभी चीज़ें उन्होंने की हुई है विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म को अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी इन दोनों ने मिलकर करीबन दस करोड़ के बजट में प्रोड्यूस किया हुआ है अभिषेक अग्रवाल आर्ट्स और आई एम बुद्धा प्रोडक्शन कंपनी के नीचे पेन मरूदकर एंटरटेनमेंट के द्वारा को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है म्यूजिक के राइट और जी म्यूजिक कंपनी को बेचे हुए जी म्यूजिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने इससे पहले विवेक अग्निहोत्री की लगभग सभी फिल्मों के राइट्स खरीदे हुए पिछली कुछ फिल्में जिसमें उन्होंने ड्रास्टिक चेंज करते हुए कुछ कहानी को दिखाने का नजर है बदलाई तब से सभी राइट्स है उनके वही खरीदते आ रहे हैं ओ टी, -टी म्यूजिक तो एक अच्छा रिलेशन है विवेक अग्निहोत्री और जी कंपनी के द्वारा इसके अलावा फिल्म की लीड कास्ट में आपको अनुपम खेर नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रैमा सेन सप्तमी गौड़ा जैसी एक्ट्रेसेस एक्टर्स देखने को मिलेंगे वहीं पे सिनेमेटोग्राफी है वो फिल्म की उदय सिंह मोहिते ने की हुई है एडिटिंग फिल्म की संख राज ने की हुई है जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म को एक हेल्दी रन टाइम दिया हुआ है करीबन ये फिल्म दो घंटे चालीस मिनट और तिरतालीस मिनट का रन तिरतालीस सेकंड का रन टाइम मिला हुआ है यानी कि एक सौ साठ मिनट और तिरतालीस सेकंड का रन टाइम फिल्म को दिया हुआ है करीबन एक सौ इकसठ मिनट का रन टाइम तो पौने दिन क, तीन घंटे की ये फिल्म है जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सत्रह अगस्त दो, जागस दो जागस को सेंसर किया हुआ था जहाँ पे सेंसर सर्टिफिकेशन यू आया हुआ है यू का मतलब होता है कि बारह साल से कम के भी बच्चे हो या कोई भी हो ओल्ड एज हो या मिडल एज कोई भी पर्सन इस फिल्म को डेफिनेटली देख सकता है इसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं लगे ना तो पेरेंट्स की ना तो कोई इससे इसमें सीन्स आएंगे फिल्म डेफिनेटली पूरी पहले एक साल से बच्चे से लेकर सभी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई हुई है तो एक अच्छी बात है कि एक बायोसाइंस फिल्म बनाई है जिसको यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके चलते सभी टाइप की ऑडियंस इस फिल्म को देख सकेगी जो अनएवर ऑडियंस है जिसको कोविड के वक्त क्या क्या चीजें हुई थी उनके बारे में पता नहीं किस तरह से वैक्सीन बनी थी उनके बारे में पता नहीं तो उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेजेबल फिल्म साबित होने वाली है हाँ ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी वाली फिल्म नहीं है फिल्म को एक सीरियस और थ्रिलर जॉनर के साथ बनाया हुआ है तो फिल्म में आपको कोई कॉमेडी कोटा देखने को नहीं मिलेगा इस फिल्म में डेफिनेटली ओप्योर कंटेंट ही देखने को मिलने वाला है सीरियस नोट के साथ ये फिल्म चलेगी जिससे इससे पहले जो कश्मीर फाइल थी द एंड फाइल फिल्म बनाएगी ठीक उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए ये फिल्म नज़र आएगी अब देखते हैं कि इस सभी चीज़ों को किस तरह से क्रिएट किया होगा बाकी ऑडियंस को अगर ये इसमें नॉलेज चाहिए तो ये फिल्म डेफिनेटली देखनी चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखनी चाहिए इस फिल्म को बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स है वो रोहित शर्मा वंजराज भाटिया स्वप्निल भडोला भडो करो श्रेया कोल के द्वारा सॉन्ग्स और बैकग्राउंड्स का कंपोज कम, किया हुआ है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है इस बार कुछ क्लासिक ट्रेडिशनल तौर पे रखा हुआ है म्यूजिक के राइट जी म्यूजिक कंपनी ने वह खरीदे हुए सत्रह मिनट इकतीस सेकंड का ये साउंड ट्रैक है जिसको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था करीबन इसमें टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रायमा सेन सप्तमी गौड़ा अनुपम खेर गिरिजा ओक निवेदिता भट्टाचार्य मोहन कपूर याग्न तुर्ला पाती जैसे कहीं बेहतरीन एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे जहां पे सप्तमी गौड़ा जिन्होंने इससे पहले कांतारा फिल्म के साथ एक धमाका किया हुआ था जो कांतारा फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल था ऋषभ सेट्टी के अगेंस्ट उन, उनके अपोजिट उनको ही कास्ट किया हुआ था जहाँ पे उन्होंने एक अच्छा खासा नाम सराहाया था जिसके चलते इस फिल्म में भी उनको काम मिला हुआ है नाना पाटेकर पल्लवी जोशी रहमा सेन जैसे कई बेहतरीन एक्टर्स भी जुड़ेंगे अनुपम खेर इस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे देखते हैं कि इस कास्ट के साथ मेकर्स ने किस तरह से कैसे क्या सभी चीज़ों को दिखाया होगा का क्योंकि जो भी एक्टर्स है इससे पहले नेशनल अवार्ड ले चुके है और ये सभी एक्टर्स पहले कहीं बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं अच्छी एक्टिंग एबिलिटी है जब देखते हैं इन सभी एक्टर्स को लेते हुए विवेक अग्निहोत्री किस तरह का क्या कंटेंट बनाए फिल्म की कहानी जैसे कि मैंने कहा कि साइंटिफिक और मेडिकल का कम्युनिटीज है उनके लिए इर्गिर्द उनके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कोविड नाइन्टीन के पेंडेमिक के दौरान जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन तैयार की हुई थी उसके पीछे क्या क्या, क्या? उनको मुसीबतों का करना सामना करना पड़ा था कोवैक्सीन जो बनाई थी उसके ऊपर ट्रू स्टोरी के ऊपर चीज़ों को डेवलप किया हुआ है जहाँ पे वो पहली ऐसी बायो साइंस फिल्म वो बनाए हुए जहाँ पर इन सभी चीज़ों को किस तरह से दिखा उसके ऊपर डिपेंड करेगा डेफिनेटली विवेक अग्निहोत्री की फिल्में इसका मतलब कि इसमें काफ़ी डिटेलिंग में सभी चीज़ों के ऊपर बातचीत की होगी क्योंकि इससे पहले उनकी जितनी भी ऐसी फिल्में आई है ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड तो वहाँ पर वो चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन मैनर में हमारे सामने पेश करते हुए नजर आए हाँ सीरियस टोन के साथ उनकी फिल्में चलती है फिल्में थोड़ी लंबी भी बनाई जाती है लेकिन जितनी भी जो चीज़ें दिखाई जाती है वो सभी चीज़ें उन जो दो ढाई तीन घंटे में वो दिखाते तो पूरा एक क्लियर पिक्चर आपके सामने रखते कोई बायसनेस आपको नजर नहीं आते उनकी कहानियों में जिस तरह से वो एक्टर से परफॉर्मेंसेस निकलवाते जिस तरह से उनकी फिल्मों में जो म्यूजिक का यूज किया जाता है कैमरा वर्क जैसा बनाया जाता है वो सभी चीज़ें एक मीडियम बजट के साथ भी वो काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाते हुए नजर आते हैं अब देखते हैं कि इस फिल्म के साथ उनका काम कैसे क्या रहता है टीजर ट्रेलर जो आउट हुआ है उसको एक अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला हुआ है और एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अच्छे लाइक्स भी मिले हुए यूट्यूब पर अच्छी कमेंट्स नजर आ रही है तो अब देखते हैं कि इसको कितनी स्क्रीन्स मिलती है फिल्म जब रिलीज होती है किस तरह का क्या धमाका कर पाती है या फिर एक आ... पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वेट करेगी उसके बाद ये फिल्म वर्क करते हुए से बाज इतना कुछ खास अभी क्रिएट नहीं है व्यूज़ अच्छे लेकिन जो एक सेक्शन शो ऑफ ऑडियंस है वो इस फिल्म को भी देखने के लिए उत्सुक है तो अब जब इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा तब पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को एक लंबा रन डेफिनेटली देगा और इसके चलते फिल्म डेफिनेटली बड़ा बिजनेस करने की क्षमता रखती है जिस तरह से काश्मीर फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे ठीक उसी तरह ये फिल्म भी उसी कैटेगरी में आ सकती है फिल्म के प्रोडक्शन की अनाउंसमेंट है वो नवंबर 2022 में की गई थी फिल्म का शेड्यूल था वो तभी स्टार्ट करवा दिया गया था फिल्म का आखिरी आखिरी शेड्यूल जून 2023 तक रखा हुआ था और पूरी तरह से फिल्म को 13 अगस्त 2023 तक तेईस अप करवाया हुआ था उसके बाद में म्यूज़िक डिपार्टमेंट डबिंग एडिटिंग सेंसर सर्टिफिकेशन के ऊपर काम किया हुआ था म्यूज़िक में जो कंपोजिशन है वो रोहित शर्मा वनराज भाटिया स्वप्निल भटोदकर श्रेया कौल और लिरिक्स है वत्सल देव और श्रेया कौल के देखने को सुनने को मिलेंगे ट्रेक लिस्टिंग के बारे में बातचीत करें उसे पहले बता दें कि जी म्यूजिक कंपनी के द्वारा ही इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स खरीदे गए जिन्होंने एक डिसेंट प्राइस में राइट्स खरीदे हुए सत्रह मिनट इक्कीस सेकंड का साउंड ट्रैक है दो हज़ार बाईस में इन सभी गानों को रिकॉर्ड किया गया था और चौबीस तो सेप्टेंबर दो हजार तेईस तक सभी गानों को रिलीज भी करवा दिया है तो फिलहाल में सभी गाने यूट्यूब पर ऑफिशियली के ऊपर अवेलेबल है पहला गाना है द वैक्सीन वॉर थीम जिसको मजोहित शर्मा ने म्यूजिक दिया हुआ है वहीं पर दूसरा गाना रिप्राइज वर्जन है द वैक्सीन वॉर थीम का उसको भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ है नसादिया सुक्ता करके जो गाना है न सुक्ता करके उसको वसंत देव ने लिखा हुआ है वंशराज ने भाटिया ने म्यूजिक दिया हुआ है सिंगर्स काफ़ी सारे राहुल जितनीस विवेक नायक नितिन का करण दिकर सागर लीले सागर लीले गौरव गोविंद कुलकर्णी श्रीकांत भो कुलकर्णी तन्मय प्रभाकर पंडित रुद्र देसाई अदमाय और अदमाय वाखले चिन्मय विनायक आबिर चौधरी विना जो और सोनल नायक तो ये कुछ सिंगर्स थे जो इस गाने को गाने में हेल्प किए थे गाने की लेंथ तीन मिनट छप्पन सेकंड थी चौथा गाना नास्ता रोकवर्धन जिसको वसंत देव ने लिखा हुआ था वंशराज स्वप्निल भाडोतकर ने उसका म्यूजिक दिया हुआ था स्वप्निल भाडोतकर के द्वारा वह गवाया गवा गया था आफ्टर द रेन करके जो गाना था उसका श्रेया कौल ने लिखा हुआ था म्यूजिक दिया हुआ था और उन्होंने ही गाया हुआ था तो टोटल पाँच ट्रेक है जिसकी लेंथ सत्रह मिनट इकतीस सेकंड है जिसको फिल्म में आप ऑफिशियली सुन सकोगे फ़िलहाल में अगर इन सभी गानों

देखने को मिलेगी लेकिन इससे पहले जो इनिशियल रिलीज डेट थी वो पंद्रह अगस्त दो की रखी गई थी उसके बाद में चौबीस अक्टूबर की लेकिन ग्यारह लैंग्वेज में, में रिलीज करने का फैसला लिया हुआ था कि जैसे कि हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी तेलुगु तमिल कन्नड़ा पंजाबी मलयालम गुजराती भोजपुरी ये सभी लैंग्वेजेस में जहां पे फिल्म का जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो सेप्टेंबर बारह सेप्टेंबर दो हजार तेईस को रिलीज किया गया जिसको काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला जिसके चलते डिसेंट बस क्रिएट हुआ है अब देखते हैं कि इस बस के साथ वो किस तरह की फिल्म ओपनिंग लेती है उसके बाद कैसा क्या रिव्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फिल्म कितना लंबा रन लेगी कितना क्या कलेक्शन करेगी करीबन 28 सितंबर 2023 को फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले अब देखते हैं कि उस दिन के बाद ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या कमाल करती है किस तरह से वो लोगों के बीच में जगह बना पाती है वैसे अगर विवेक अग्निहोत्री है तो उनसे एक्सपेक्टेशन लोगों को ज्यादा होगी जिस तरह से वो फिल्में बनाते वो एक टेम्पलेट है वो अपने टेम्पलेट को फॉलो करते हैं जिस तरह से वो सभी चीज़ें लोगों को पसंद आती है जिस तरह से उनको दिखाने का वो तरीका होता है वो सभी चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती है अब देखते हैं किस बार इस फिल्म के साथ उन्होंने क्या कैसा ट्राई किया हुआ क्योंकि वैक्सीन वॉर एक बायोसाइंस फिल्म है तो उसमें उनका जो तड़का है वो किस तरह कैसा रहता है वो देखने वाली बात रहेगी अब दस करोड़ के बजट के सामने ये फिल्म कितना कलेक्शन करेगी वो आने वाले समय में ही पता चलेगा फिलहाल में अट्ठाईस सेप्टेम्बर दो हजार तेईस की वेट करनी पड़ेगी तभी इस फिल्म को थिएटर में लगाया जाएगा उसके बाद पता चलेगा फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होगा और उसके बाद ही फिल्म देख सकोगे ओ टी टी सेटेलाइट के ऊपर बातचीत करें तो अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं मिली है हो सकता है ओ टी टी और सेटेलाइट राइड्स विवेक अग्निहोत्री की जो पिछली फिल्म है उसकी तरह जी के द्वारा ही खरीदा जाए अगर ऐसा होता है तो थिएट्रिकल रिलीज़ के कुछ महीनों के बाद

करवाया जाए क्योंकि ज्यादातर जितनी विवेक अग्निहोत्री की फिल्में, उसके नहीं इस बार भी के के ही पास है, तो हो सकता है कि के टी के अलावा तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम जैसी मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज की जाए उसके बाद में इस फिल्म को उसके कुछ महीनों के बाद सैटेलाइट चैनल सिनेमा के ऊपर भी प्रीमियर करवाया जा सकता है तो वहां पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाया जाएगा तो इस तरह से था वैक्सीन वॉर फिल्म आप ओटीटी सैटेलाइट थिएटर में एंजॉय कर पाओगे तो बस गाइज द वैक्सिन वॉर फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकोगे उसकी जानकारी दी हुई है वहीं पर फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक प्रोडिक्शन दिया हुआ है कहानी का भी एक प्रोडक्शन करके दिया हुआ है आर्टिस्ट के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी चर्चा हो चुकी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू